ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ISA के नेतृत्व में पल्स पीड़ित निवेशकों का विशाल सेबी घेराव। समय दोपहर 2 बजे 25 दिसंबर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे ST न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं दोस्तों, वो आपको पैसे दिलाने का एक प्रयास है, और उस प्रयास के जो रूपरेखा तैयार की गई है उस प्रयास की दोस्तों, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ये आज की बड़ी न्यूज़, जी हाँ दोस्तों, 22 नवंबर की ये बड़ी न्यूज़, विशाल सेबी घेराव। स्थान अपने क्षेत्र के सभी सेबी कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ये बताया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के सेबी विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ पर आप लोगों को 25 नवंबर में धरना देना है, और वह धरना ज़बरदस्त धरना होना चाहिए ताकि प्रशासन और विभागों की आंख खुले और उन्हें निवेशकों का पैसे देने में कुछ प्रगति आए। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ है कि पल्स पीड़ित नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप अपने पैसे का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के 2 फरवरी 2016 के आदेश अनुसार सरकार की एजेंसी सेबी द्वारा 8 माह में किया जाना था, परंतु चार वर्ष बीत जाने के बाद भी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया गया। पूरे देश में 5,85,00,000 पल्स पीड़ित निवेशक हैं। इनकी जमा पूंजी सरकार और विभाग में अटकी पड़ी है। आप सभी के दुख दर्द को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2015 को सामाजिक संस्था AISO संगठन हुआ। वो एक गैर राजनीतिक रजिस्टर्ड संस्था है। सरकार में अपनी जमा पूंजी निकलवाने के लिए AISO द्वारा पिछले 4.5 वर्षों से लगातार पूरे देश में संघर्ष करते हुए अनेकों बार धरना प्रदर्शन किया गया, पर शासन प्रशासन तथा क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों व केंद्रीय मंत्रियों को बार बार लिखित में ज्ञापन दिया। आप सभी की समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, परंतु सेबी और सरकार अभी तक भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाई है, जिसके विरोध में दिनांक 25 नवंबर 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के सेबी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को घेराव किया जा रहा है, जिसके माध्यम से AISO वर्तमान केंद्रीय सरकार व सेबी पर पल्स पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए यह दबाव बनाया जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि 25 नवंबर को अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय सेबी कार्यालय पर पहुंचकर सरकार व सेबी को अपनी ताकत का एहसास कराएं, जिससे जो समस्या का समाधान अति शीघ्र हो सके। या दोस्तों, निवेशकों के पैसों की समस्या का समाधान अति शीघ्र हो सके। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जागरूकता इस वक्त चल रही है कि जागरूकता के आधार पर ही निवेशकों का जो भी थोड़ा बहुत प्रोसीजर चालू हुआ है वो केवल इन धरना प्रदर्शनों की ही बदौलत हुआ है। नहीं तो दोस्तों, अन्य कंपनियों की तरह आपके मैटर को भी सेबी और सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, इग्नोर कर दिया था। मीडिया में तो आप लोगों की या किसी भी चिटफंड कंपनी की 3 लाख चिटफंड कंपनियां बंद करी गई हैं भारत सरकार में। तो दोस्तों, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उन तक का मीडिया वाले, जी हाँ दोस्तों, बड़े चैनल वाले कभी टीवी पर नहीं दिखाते,
क्यों नहीं दिखाते दोस्तों? क्योंकि उन लोगों की जो आरटीपी जो होती है उसको केवल सरकार ही अपने या दोस्तों अपने पास से पैसा भेजती है, और उनको अपनी मर्जी द्वारा ही या दोस्तों जो सरकार की मर्जी होती है वही न्यूज़ वहाँ पर प्रसारित की जाती है। अन्यथा आप अगर 1 लाख लोग भी सेवी विभाग के कार्यालय पर जाकर धरना दें, वहाँ पर आपको कोई मीडिया वाला पूछने नहीं आता। तो दोस्तों सलामत रहें, यूट्यूब चैनल वाले जो आपको हर तरीके की सूचनाएं देते हैं, हर तरीके की जानकारी देते हैं, इनकी जागरूकता से ही दोस्तों इस वक्त सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों में जागरूकता है। और इस जागरूकता को बनाने के लिए दोस्तों आपको किसी अपंग मीडिया का सहारा नहीं लेना है, आपको अपने स्तर पर प्रयास करना है। तो दोस्तों हमारा आपसे यही कहना है कि आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर या दोस्तों जो आपके क्षेत्र में से भी कार्यालय है वहाँ पर जाकर अपना धरना दें और अपनी जन या दोस्तों जो जन सैलाब है उसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ले जाकर दिखाएंगे तो दोस्तों आपका दबाव सेवी विभाग और सरकार पर पड़ेगा, जिससे आपका पैसे मिलने की जो कछुआ चाल प्रगति है वो उसमें कुछ और ज़्यादा तेज़ी आए। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है, और आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि 25 नवंबर विशाल सेवी घेराव को आप कामयाब बनाएं, जहां दोस्तों आपके छोटे से प्रयास से ही आपका पैसा मिलना स्वाभाविक है। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आपके लिए। तो दोस्तों धन्यवाद।